सारे पाकिस्तान पर हम सफर कर रहे हैं। कराची में होने वाली ईद के बाद पहली बारिश की अपडेट आपकी खिदमत में है। मुख्तलिफ वीडियोज हमने शेयर की हैं। आज एक सुबह के वक्त भी हमने आपको लाइव अपडेट दी थी, वो भी ज़रूर देखिएगा। बारिश कहाँ कहाँ हो रही थी, मुख्तलिफ हिस्से हमने दिखाने की कोशिश की, लोग किस तरीके से पानी उड़ाते हुए गुजर रहे हैं गाड़ियों में अपनी अपनी, वो सब मनाजिर हमने आपसे शेयर किए। तो वीडियो को शेयर कीजिए, घर बैठे बारिश के मनाजिर देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फोकस विद फहीम को आपको बारिश की लम्हा ब लम्हा ताज़ा ब ताज़ा अपडेट मिलती रहेंगी। ये फैमिली है गरीबों की बेचारी, पैदल रवा दवा है। ये है आयशा मंजिल का ब्रिज, लेकिन हम नीचे से गुजरेंगे और यहाँ से होते हुए ताहिर विला की तरफ जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। पानी जमा होने की वजह से आपको पता ही नहीं हो तो ये देखा आपने, पता ही नहीं है ना आपको गढ़ा कैसा है कैसा नहीं है। यहाँ पे देखें गढ़ा है, ये देखें आप, देख रहे हैं ना पानी उड़ाती हुई गाड़ियाँ गुजर रही हैं, क्योंकि मालूम ही नहीं है आपको, लिहाजा आप उसी गढ़े में से आया स्पीड में गुजर रहे होते हैं। ये सब यहाँ पे छोटे बड़े गढ़े मौजूद हैं, सड़क का लेवल का भी मसला है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये देखें अभी और गाड़ियाँ आ रही हैं, देखें इनका क्या होता है हाल। दूध वाले ने बरसाती पहनी हुई भाई, अपर पहना हुआ है, देखे भाई जबरदस्त। ये देखो भाई देखते जाओ बस। और ये सफाई का अमला बस गाड़ियों पे घूमने में मसरूफ है, काम काज कुछ नहीं है। देखा आपने किस तरीके से सफर करते हैं भाई कराची की सड़कों पे लोग। और यहाँ पे एक लोकल वर्ड बहुत मशहूर होता जा रहा है, वो है शपाटर। यहाँ पे गड़े काफ़ी हैं और सबको पता ही है। और ये अब हम पहुँच रहे हैं आयशा मंजिल की चौरंगी पे। जमरेला लिए हुए साहब अपने बच्चों के हमरा जा रहे हैं। और ये है आयशा मंजिल की चौरंगी जिसके ऊपर अब ब्रिज बन चुका है। और ये है रास्ता ताहिर विला की तरफ जाता है, यहाँ पे पानी बहुत जमा हो जाता है भाई। देखते हैं क्या सूरत हाल है इस वक्त। ये देखो भाई, ये तो दरिया बह रहा है, ओए होए, बहुत पानी जमा हो गया भाई, बहुत पानी जमा हो गया। ये कुत्ते भाई, तीन कुत्ते घूम रहे हैं सड़क पे, मटर गश्त कर रहे हैं। बारिश दोबारा से आस्ता आस्ता तेज हो रही है, कभी स्लो हो जाती है, कभी रुक जाती है चंद लम्हों के लिए और फिर दोबारा तेज हो जाती है, लेकिन सिलसिला मुसलसल जारी है। लाइट अल्लाह का शुक्र है इस इलाके में मौजूद है, क्योंकि सिग्नल फंक्शनल है, लाइटें जल रही हैं सिग्नल की। पानी रोड पे यहाँ पे काफी जमा हुआ हुआ है, क्योंकि ये जो ग्रीन बेल्ट है ना इसके अंदर है नाला, वो नाला भरा हुआ है कचरे से, पानी निकलता ही नहीं है। ये गाड़ी बंद पड़ी हुई है, पिछले दिनों यहाँ पे शादी हॉल तोड़े गए थे, उन्हीं में से एक शादी हॉल ये भी है, टूटा हुआ पड़ा है। अब उस पर UBL लिख दिया गया, इसका मतलब ये है कि ये बिक चुका है और शायद UBL ने खरीद भी लिया है, जब अल्लाह आलम इस सवाब क्या कहानी है। लेकिन UBL लिखा हुआ है भाई, ये पहुँच गए हम ताहिर विला की चौरंगी पर और सिग्नल बंद है इस वक्त यहाँ पर।
इंतज़ार करते हैं, सिग्नल बंद है, 19 सेकंड बाकी हैं, 17 सेकंड बाकी हैं, सिर्फ हम ही खड़े हुए हैं यहाँ पे, बाकी तो कोई भी नहीं खड़ा हुआ। वो सामने से गाड़ी भी गुजर गई, पता नहीं सिग्नल उसका खुला है कि बंद। सिग्नल बंद है लेकिन गुजर गए लोग और सिग्नल ही बंद हो गया अब तो भाई। चलो भाई हम भी चलते हैं फिर। ये रास्ता अब जा रहा है लंडी कोतल चौरंगी की तरफ, उससे पहले आएगा गुजर नाला। ये पानी जमा हुआ है, ये गाड़ियां गुजर रही हैं, बारिश का पानी बात है। ये देखो भाई, ये देखो गाड़ियां कैसे गुजर रही हैं, पानी बहाती हुई। अल्लाह खैर भैया, ख्याल करो थोड़ा सा यार, दूसरों का भी, हम गरीबों का भी ख्याल करो यार। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पानी जमा हुआ है, ये है पानी जमा हुआ जिसको उड़ाती भी गाड़ियाँ गुजर रही हैं, और रोड की दूसरी जानेब भी पानी जमा हुआ है। बादल फिर से गरजना शुरू हो गए हैं। ये है भाई यहाँ पे सूरत हाल, ये देखिए मैं भी आपको दिखाता हूँ। देख रहे हैं ना पानी, ये गाड़ियां गुजर रही हैं यहाँ से पानी उड़ाती हुई, और ये है रोड के दूसरी जानिब की सूरत हाल। यहाँ भी पानी जमा हुआ है, ये देखें आप, नदियां बह रही हैं भाई यहाँ पे तो, और ये है नाला यहाँ पर। ये देखें मैं आपको नाला दिखाता हूँ, देख रहे हैं ना, ये है नाला जो कचरे से भरा हुआ है। पानी कहाँ से निकलेगा, भट्टी भरी हुई है उसमें कचरा भरा हुआ है, तो पानी तो निकल ही नहीं सकता, लिहाजा ये पानी खुद ही ऐसे ही बहता रहेगा तो कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। हालांकि खुश जगह मौजूद है जहाँ पानी नहीं है, लेकिन भाई पानी से गुजरने का मज़ा ही कुछ और है। वो देखो एक और सुजुकी आ रही है पानी उड़ाती हुई, पानी में से गुजरती हुई। अब हमारी मंजिल है लंडी कोतल की चौरंगी, चलो भाई वहां भी देखते हैं क्या सूरत हाल है। वहां भी काफी पानी जमा होता है, और उससे पहले आएगा गुजर नाला। बड़े पैमाने पे हजारों की तादाद में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के दौरान वहां घरों को डिमोलिश किया गया, मसमार किया गया। उसके बाद मॉडल नाला बनने का काम शुरू हुआ, लेकिन वो ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। ये निस्बतन थोड़ा ऊंचा इलाका है, इसलिए पानी यहाँ पे इतना नहीं जमा होता और स्लोप में बह जाता है। किसी भी हाथ में मस्जिद नजर आ रही है, मस्जिद है फौसिया। इसका भी काफी हिस्सा मुनहदिम किया गया इस दौरान। ये रहा मॉडल नाला, गुजर नाला, ये देख रहे हैं ना आप, सारी गंदगी सिल्ट भरी पड़ी हुई है, और नाला बिल्कुल आधे से भी कम चौड़ा रह गया है। तकरीबन 1 बजे का टाइम हो रहा है इस वक्त, और ये पानी यहाँ से देखें आप, ये पहाड़ी इलाकों से जो पानी आ रहा है, काला काला बारिश का पानी, गंदा पानी, ये सब आके यहाँ पे जमा हो रहा है, ये सब कचरे का ढेर। बारिश इस वक्त रुक चुकी है, सीएनजी सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर्स की दुकानें, और ये आ गई है हम, अब आ गए हैं हम लंडी कोतल चौरंगी पर। ये है लामा रशीद तुराबी रोड, यहाँ से हम जाएंगे तो जियाउद्दीन अस्पताल, सैफी हॉस्पिटल, सैफी कॉलेज की तरफ रास्ता जाता है, ये हॉकी स्टेडियम इस्लाउद्दीन का, सामने जयपुर ग्राउंड, और बारिश फिर शुरू हो गई है भाई, अभी बंद हुई थी फिर दोबारा शुरू हो गई। और ये है नॉर्थ नाजमाबाद की फूड स्ट्रीट,
तेज हवाएं दोबारा से शुरू हो गई है भाई। ओह भाई भाई खिल रही है। ये फूड स्ट्रीट नॉर्थ नाजमाबाद की नई फूड स्ट्रीट, नई रोड बनी थी, नया मॉडल नाला बना था यहाँ पे, कफाया खुला हुआ है। क्या पानी, अल्लाह का शुक्र है अब नहीं जमा होता। दरमियान में बने हुए नाले से होके गुजर नाले में जाके गिर जाता है। ये पक्षी, ये सब नाश्ते के लिए लाए, गाड़ियां खड़ी हुई है भाई, ऐसे ही नहीं पार्क हुई। ये सब लोग नाश्ता करने आए हलवा पूरी का। ये मुख्तलिफ शॉप्स खुली हुई हैं यहाँ पे, बंद पड़ी हुई है, रखी नहीं है, मतलब ये तो बस ठेले खड़े हुए। ये है नॉर्थ नाजमाबाद का ब्लॉक एल मेरे सीढ़ियात पर, और ये है ब्लॉक एच नॉर्थ नाजमाबाद का डोनेजिल। इस वक्त सब बंद है, फूड स्ट्रीट आपको पता ही है शाम में खुलती है और रात गए तक खुली रहती है। रोड काफ़ी चौड़ी हो गई है, पानी यहाँ पे इतना जमा नहीं है। बारिश का पानी नाले के ज़रिए तेज़ी के साथ नाले में चला जाता है सुराखों से होता हुआ। ये हवेली रेस्टोरेंट है, अब हम आ गए हैं फाइव स्टार चौरंगी पर। यहाँ बोर्ड भी देखें लगा हुआ है, इस पर पता चलेगा आपको हवाओं की बहुत स्पीड बढ़ती जा रही है। सीधे जाएंगे शिपॉर्नर कॉलेज, उल्टे हाथ पे जाएंगे बोर्ड ऑफिस, सीधे हाथ पे जाएंगे सखी हसन चौरंगी। हवा बहुत तेज चल रही है भाई, बहुत तेज हवा है। इस पर अपने आप को संभालना बहुत अहम है, इतनी तेज है कि बस उड़ जाए इंसान। फाइव स्टार चौरंगी पे हम पहुंच चुके हैं, सामने ब्रिज नज़र आ रहा है और ये छतरी लिए हुए भाई मसरूफ़ हैं मटर गश्तियों में। ये फाइव स्टार चौरंगी, ये देखो रक्षा, ये देखो भाई, बस देखते जाओ, ये देखो भाई, ये देखो, ये स्पीड ये चाहिए भाई। ये देखो और गाड़ियां आ रही हैं, देख रहे हैं ना आप स्पीड कैसे जा रही है, पानी उड़ाती हुई गाड़ियाँ। ये देखो भाई, बस देखते ही रहो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल के आइकॉन को दबा दो ताकि अपडेट मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त है, अस्सलामुअलैकुम, फी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।